अमेरिका के ओहायो शहर में कर्टिस बारिश के नीचे खड़े होकर आकाश में विशाल बादलों को देखता है। वह काफ़ी शौक होता है क्योंकि यह बारिश के पानी के बजाय कोई मोटर ऑयल प्रतीत होता है। हालांकि यह सिर्फ एक सपना था और वास्तव में वेदर काफ़ी अच्छा है। इसके बाद कर्टिस ने काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी सामांथा और अपनी बेटी हैना के साथ नाश्ता किया। कर्टिस एक बोरवेल कंपनी के लिए काम करता है जबकि सामांथा एक हाउसवाइफ है जो हैना की देखभाल करती है। साथ ही सामांथा वीकेंड पर एक स्थानीय मार्केट में अपना दुकान भी लगाती है जिसमें वह कर्टेंस बेचती है। उस दिन सामांथा अपने घर पर कुछ दोस्तों के साथ चिल कर रही थी जो अपने बच्चों को एक साथ खेलने व आपस में घुल मिल जाने के लिए लाए थे। तभी उनमें से एक लेडी ने देखा कि हैना ने लकड़ी के एक खतरनाक टुकड़े को कील के साइड से पकड़ लिया है। इसलिए सामांथा को उसे रोकने के लिए बाहर भागना पड़ा क्योंकि वह चिल्ला नहीं सकती क्योंकि हैना को कुछ सुनाई नहीं देता। ये बीमारी उसे बचपन से है, वह बस इशारों में बात करती है। अब कुछ देर बाद भारी बारिश होने लगती है इसलिए कर्टिस सहित सारे बोरवेल वर्कर्स को दिन भर रुकना पड़ता है और वे लोग किसी बार में एक साथ ड्रिंक करते हैं। इधर घर पर सामांथा खिड़की से बारिश देखते हुए हैना को तूफान के संकेत सिखाती है। इसके बाद कर्टिस अपने को वर्कर्स और बेस्ट फ्रेंड डेवार्ट को उसके घर छोड़ता है। वे कुछ देर बातचीत करते हैं और डेवार्ट का कहना है कि कर्टिस एक बढ़िया जीवन जी रहा है। हालांकि कर्टिस का मानना है कि चीज़ें हमेशा उतनी सुंदर नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब डेवार्ट की पत्नी बाहर आती है और चुपचाप उसे अंदर जाने के लिए कहती है। इसके बाद कर्टिस अपने घर जाता है और हैना की जांच करता है जबकि सामांथा बताती है कि हैना को अभी भी अन्य बच्चों के साथ जुड़ने में परेशानी हो रही है। अगले दिन कर्टिस कचरा साफ कर रहा था ताकि हैना कोई अन्य खतरनाक चीज़ें न उठाए। उसी समय आसमान में एक तेज तूफान आता है और अचानक बिजली जमीन पर गिरती है जिससे कर्टिस का कुत्ता रेड पागलों की तरह भौंकने लगता है। और जैसे ही कर्टिस हैना का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है कुत्ता अपनी चैन से फ्री होकर कर्टिस पर हमला करता है और उसकी बाह को बुरी तरह काट लेता है। हालांकि कर्टिस अपने कमरे में जाग गया क्योंकि यह एक और बुरा सपना था। नाश्ते के दौरान कर्टिस यह सोचना बंद नहीं कर सका कि यह सपना कितना वास्तविक था। वह देखता है कि हैना रेड के साथ खेल रही है और यह देखकर वह चिंतित है, इसलिए वह हैना को कुत्ते से दूर ले जाता है। जब सामांथा पूछती है कि क्या गड़बड़ है तब कर्टिस कुछ नहीं कहता और अपने नाश्ते को खाए बिना ही चला जाता है। बाद में काम के दौरान कर्टिस का ध्यान लगातार भटकता रहता है और मीटिंग के दौरान वह अपनी बाह को घूरना बंद नहीं करता यह सोचकर कि वह अभी भी दर्द महसूस कर रहा है। कर्टिस का बॉस जिम बारिश के कारण हुई देरी से नाराज है और वह चाहता है कि वे आज ही काम पूरा कर ले। साइट पर जाते समय कर्टिस ने डेवार्ट से पहले कुछ जरूरी सामान लेने में मदद करने के लिए कहा कि कर्टिस थोड़ा रुका और आकाश में काले पक्षियों के झुंड को अजीब पैटर्न में उड़ते हुए देखा। वह डेवार्ट से पूछता है कि क्या उसे लगता है यह अजीब है, लेकिन डेवार्ट को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब अधूरे काम को पूरा करने के कारण कर्टिस को हैना के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए देर हो गई। वह अभी भी किचन में सना हुआ है क्योंकि वह स्नान नहीं कर सका। वह हैना को टीचर दूसरे बच्चों से घुलाने मिलाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कर्टिस को हैना की बातों को समझने के लिए उसे और अधिक सांकेतिक भाषा का अभ्यास करना होगा। चूंकि वह हैना के साथ सामांथा जितना समय नहीं बिताता इसलिए वह अभी तक पर्याप्त रूप से सांकेतिक भाषा नहीं जानता है। अब कुछ समय बाद फिर से बारिश होती है और कर्टिस अपनी बेटी हैना के साथ कार में बैठने के लिए जाता है। बारिश के चलते उसे कुछ नहीं दिखाई दिया और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कर्टिस के सिर से खून बह रहा था जबकि हैना ठीक थी। उसी समय कुछ लोग कार के पास आते हैं और कार की खिड़कियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही एक व्यक्ति कर्टिस को पकड़ लेता है जबकि दूसरा हैना का किडनैप कर लेता है कि तभी अचानक कर्टिस चिल्लाते हुए जागता है और उसे एहसास हुआ कि यह एक और सपना था। तब वो अच्छा फील नहीं कर रहा था इसलिए नीचे चला गया। सामांथा कर्टिस की यह हालत देखकर चिंता करती है लेकिन कर्टिस कहता है कि वो ठीक है, बस उसे सर्दी लग गई है। साथ ही वो सामांथा को हैना के साथ अपने दुकान पर ले जाने के लिए कहता है। बाद में सामांथा अपने शॉप पर कर्टेंस बेचती है और कस्टमर से मोल भाव करती है। कर्टिस रेड को घर से बाहर रखने के लिए एक घर बनाकर उसके चारों ओर बाड़ लगाता है, फिर अपने कुत्ते से माफ़ी मांगता है। अब उसे कचरा साफ करना था लेकिन उसका ध्यान एक ऐसे दरवाजे की वजह से भटक गया जो स्टॉर्म शेल्टर की ओर जाता है। कर्टिस एक पुराने जार में चाबी खोजता है और उस दरवाजे को खोलने में सफल होता है। तब वो अंदर जाता है और गंभीर रूप से कुछ सोचता है। बाद में शाम को सामांथा ने अपनी दुकान से कमाए गए पैसों को अपनी सेविंग बॉक्स में रख दिया। फिर वह कर्टिस से पूछती है कि रेड को उसने बाहर क्यों रखा है, लेकिन कर्टिस एक काम चलाऊ जवाब देता है। सामांथा उसे बात करने की कोशिश करती है
पर न्यूज देखने के लिए कर्टिस उसे इग्नोर करता है। न्यूज में किसी जगह पर गैस लीक होने की वजह से एक दुर्घटना हुई जिसमें एक फैमिली मारी गई, जिसे देखकर कर्टिस किसी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन कर्टिस हैना को खिड़की से तूफान देखते हुए पाता है। जब वो करीब आता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि बाहर खड़ा एक आदमी उन्हें देख रहा था। कर्टिस तुरंत हैना को अपनी बाहों में लेकर छिपने के लिए भागता है, क्योंकि आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है कि तभी अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और लिविंग रूम की हर वस्तु ऊपर उठ जाती है। साथ ही कर्टिस को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी कि तभी सब कुछ गिर जाता है और कर्टिस हाँफने लगा, क्योंकि वह एक और बुरी सपने से जागता है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने बिस्तर गीला कर दिया। जब समांथा अंदर आती है तो उसने गीले बिस्तर को कंबल से ढक लिया और समांथा से डॉक्टर का नंबर मांगता है, पर समांथा चिंता के कारण उसकी जांच करने की कोशिश करती है। हालांकि कर्टिस उसे गीली चादरें देखने से रोकने के लिए उस पर झपटता है, पर वह तुरंत अपने गुस्से के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि वह अच्छा फील नहीं कर रहा इसलिए उसने ऐसा किया। साथ ही वह समांथा को चर्च जाने के लिए कहता है। समांथा के चले जाने के बाद कर्टिस ने चादरें बदल दी और सारे सबूत मिटा दिए। बाद में कर्टिस हैना को लाइब्रेरी में ले जाता है और मानसिक बीमारी के बारे में जानकारी खोजते समय उसके हाथ कोई साइकोलॉजिकल किताब लगती है। वापस जाते समय वह खाने वाली चीज़ों को खरीदने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर पर रुकता है। इसके कारण उसे और हैना को फैमिली लंच के लिए देर हो जाती है, जिसके चलते समांथा उसे काफ़ी नाराज थी। कुछ देर बाद दोपहर में कर्टिस स्टॉर्म शेल्टर की सफाई करता है और आपातकालीन स्थिति के लिए लाए गए सभी खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। फिर वह वहीं रह कर लाइब्रेरी वाली किताब पढ़ता है। कुछ समय बाद कर्टिस आखिरकार एक डॉक्टर के पास गया और उसने बताया कि उसे 4 दिनों से सोने में परेशानी हो रही है। पहले तो डॉक्टर को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कर्टिस ने अपने बुरे सपने के बारे में भी बताया, साथ ही स्वीकार किया कि उसने बिस्तर गीला कर दिया था और उसे कुत्ते के काटने से दर्द महसूस होता रहा, जबकि कुत्ते ने उसे सपनों में काटा था। डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए मेडिसिन दिया, साथ ही टेक्सास के एक बड़े डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ समांथा हैना के इलाज के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का दौरा करती है। शुक्र है कि उसके इंश्योरेंस को अप्रूव कर दिया गया और हैना के ऑपरेशन के सभी खर्चों को कवर कर लिया गया, क्योंकि कर्टिस की कंपनी ने उसे बहुत अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करी थी। उसी समय कर्टिस अपनी दवा लेने के लिए फार्मेसी जाता है और यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसके हेल्थ इंश्योरेंस के कारण ये मेडिसिन उसे फ्री में मिल गई। उस रात सभी बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने एक साथ डिनर किया, लेकिन कर्टिस ने उन्हें अपनी दवा के बारे में नहीं बताया। बिस्तर के लिए तैयार होते समय समांथा हैना के लिए एक बीच ट्रिप प्लान करती है, क्योंकि उसने अपनी दुकान से अच्छे पैसे जोड़ लिए थे। कर्टिस गुप्त रूप से बाथरूम में दवा लेता है। अगली सुबह कर्टिस अच्छा महसूस करते हुए उठा और समांथा ने देखा कि वह स्वस्थ दिख रहा है। हालांकि काम पर कर्टिस स्टॉर्म शेल्टर के बारे में डेवाट से बातचीत करता है कि अचानक से उसे आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी, पर आसमान बिल्कुल साफ था। तब वह डेवाट से पूछता है कि क्या उसे भी कुछ सुनाई दिया, लेकिन डेवाट को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तब कर्टिस घबरा गया और तभी उसे एक पैनिक अटैक आया, इसलिए वो उल्टी करने के लिए वो कूड़ेदान की ओर भागा। फिर पैनिक अटैक से जूझते हुए कर्टिस ने उस दिन अपना काम छोड़ दिया और गाड़ी चलाते समय उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी, इसलिए उसने कुछ समय रुकने और अच्छा फील करने के लिए कार रोक दी। जब वो अंततः बेटर फील करता है तब उसकी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहाँ कंटेनर बेचा जाता है और स्टॉर्म शेल्टर बनाने के लिए उसे कंटेनर मिल गया। कुछ क्षण बाद वो अपनी माँ से मिलने गया, जिनका बिहेवियर बहुत अजीब था, क्योंकि उन्हें पैरानोइड नामक एक बीमारी थी और यही बीमारी कर्टिस को भी है, इसलिए वह चिंतित है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तब वह अपनी माँ से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ उसे कुछ ज़्यादा नहीं बता सकी। बाद में कर्टिस ने अपने डॉक्टर को फ़ोन करके बताया कि वह बड़े डॉक्टर से मिलने टेक्सास इतनी दूर नहीं जा सकता, इसलिए उसने कोई एक रास्ता निकालने के लिए कहा। रात में उसने हिसाब लगाया कि स्टॉर्म शेल्टर को पूरे बंकर में बदलने में कितना खर्च आएगा। खर्च बहुत ज़्यादा था। फिर अगली सुबह वह बैंक गया और अपनी पत्नी को बताए बिना और बैंक मैनेजर की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपने घर को गिरवी रखा और लोन लिया। अगले दिन काम पर कर्टिस डेवाट से मदद मांगता है, क्योंकि वह अपना बंकर बनाने के लिए कंपनी के मशीन लेना चाहता है। यह नियमों के विरुद्ध है, लेकिन डेवाट मदद करने के लिए तैयार हो गया। काम के बाद कर्टिस अपनी बीवी और बेटी के साथ दूसरी स्कूल मीटिंग में गया। वापस आते समय कर्टिस ने कार रोक दी, क्योंकि उसे आकाश में भारी बिजली दिखाई दे रही थी। हालांकि समांथा और हैना दोनों सो रही थी, लेकिन रास्ते में किसी दूसरे ड्राइवर को ऐसी बिजलियां नहीं दिखी। ये सब बस उसे ही दिख रहा था। तब उसे अपनी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक चिंता होने लगी।
वीकेंड को जब सामान्था और हैना अपने शॉप पर थे तब कर्टिस और डेवाट स्टॉर्म शेल्टर के लिए खुदाई करते हैं। जब समान्था आती है और सब कुछ देखती है तो वह घबराकर उसे बहस करती है, और जब समान्था कर्टिस द्वारा होम लोन की बात सुनती है तो वह क्रोधित हो जाती है और चिल्लाती है क्योंकि उसने हाल में हैरियट को बाहर बंद कर दिया, जो बहुत अजीब था, और ये सभी बहुत अजीब है, जिसका वो जवाब मांगती है। हालांकि कर्टिस का कहना है कि उसे समझाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर वह हैना को देखने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। उस रात कर्टिस ने बहुत ज़्यादा दवाई ले ली। आधी रात में समान्था अचानक जाग गई जब उसे पता चला कि कर्टिस को दौरा पड़ा है और उसके बगल में खून भी बह रहा है। तब उसने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया, पर कर्टिस ने उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए मना किया और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। पैरामेडिक्स के जाने के बाद कर्टिस अंततः समान्था को सब कुछ बताता है। वह कसम खाता है कि वह अक्सर डॉक्टर के पास जाता रहा है पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। वह अपने बुरे सपनों से बहुत परेशान है, इसलिए वह स्टॉर्म शेल्टर बना रहा है क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है, और वह तूफान से बचने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा है। अगले दिन कर्टिस और समान्था हैना को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाते हैं और उसकी सर्जरी एक महीने में निर्धारित होती है। काम के दौरान कर्टिस अपने बॉस से मिलने गया और उसे डेवाट को अपने ग्रुप से हटाने के लिए कहा क्योंकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को ऑर्डर नहीं देना चाहता। जिम सोचता है कि यह अजीब है पर उसकी बात मान ली गई। साथ ही कर्टिस कुछ दिन काम से बहुत गायब था। कर्टिस ने बताया कि यह हैना के डॉक्टर के कारण है, लेकिन जिम उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने काम छोड़ा तो वह उसे फायर कर देगा। इसके बाद कर्टिस गैस मास्क खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। मास्क बहुत महंगा था पर कर्टिस को तो खरीदना ही था। इस बीच डेवाट की पत्नी समान्था को कर्टिस के अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में बताती है, लेकिन समान्था कर्टिस को डिफेंड करती है। बाद में कर्टिस शेल्टर पर काम कर रहा था तब उसका भाई काइल उसे मिलने आया, जिसने समान्था से उसके अजीब व्यवहार के बारे में सुना था। काइल को कर्टिस के स्वास्थ्य की चिंता थी, लेकिन कर्टिस कहता है कि वह ठीक है। साथ ही काइल को अपनी माँ से मिलने के लिए कहा। काइल के जाने से पहले कर्टिस को याद आया कि वह एक कुत्ते की तलाश में था, इसलिए उसने रेड को काइल को दे दिया। एक तूफानी दोपहर के दौरान कर्टिस किचन में गया और समान्था को बारिश से भीगता हुआ पाया। इससे पहले कि वह चाकू पकड़ने के बारे में सोचती तब वे एक दूसरे को एक पल के लिए देखते हैं। हालांकि यह भी एक सपना है। नाश्ते के समय कर्टिस बहुत बुरे सपने से उबर नहीं पाता, और जब समान्था उसके हाथ को छूने की कोशिश करती है तो वह उसे दूर हटा देता है। उसी समय उन्होंने देखा कि जिम बाहर उसका इंतजार कर रहा है। कर्टिस उससे मिलने के लिए बाहर गया, पर जिम ने उसे एक शॉकिंग न्यूज दी। जिम को उन मशीनों के बारे में पता चल गया जो कर्टिस ने अवैध रूप से कंपनी से लिए थे, इसलिए जिम ने उसे जॉब से निकाल दिया और कर्टिस की हेल्थ इंश्योरेंस को रिड्यूस करके बस 2 हफ्तों तक वैलिड कर दिया। उसकी मदद के लिए डेवाट की बस 1 महीने की सैलरी काट ली गई। जब कर्टिस ने समान्था को ये सब बताया तो उसने हैना के साथ कमरे से बाहर निकलने से पहले उसे थप्पड़ मारा, क्योंकि उसकी हेल्थ इंश्योरेंस जाने के चलते हैना की सर्जरी नहीं हो सकती। बाद में वह स्टॉर्म शेल्टर पर वापस जाकर उस पर काम करना जारी रखता है। इस बीच समान्था अतिरिक्त पैसे जमा करने के लिए पड़ोसियों के कपड़े सिलती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता और उसे हैना के बीच हॉलीडेज के लिए पैसे अपने सेविंग से लेना होगा। शाम को समान्था कर्टिस से बात करती है, तब कर्टिस ने बताया कि उसकी घबराहट एक सपने के कारण है और यह साबित ना हो जाए इसलिए वह शेल्टर पर काम कर रहा है। अब पैसों की कमी के कारण समान्था ने बीच हॉलीडे रद्द कर दिया। साथ ही दोनों ने नई जॉब ढूंढने का डिसाइड किया। साथ ही उन्होंने फिलहाल हैना की सर्जरी भी स्थगित कर दी। अगले दिन दोनों हैना के स्कूल के फंक्शन में आए, तब वहाँ कर्टिस का सामना डेवाट से होता है, जो अपनी सैलरी के लिए उसे दोषी ठहराता है। कर्टिस उसे बाद में अकेले में बात करने के लिए कहता है, पर डेवाट का कहना था कि कर्टिस ने उसे धोखा दिया, जबकि वो कर्टिस को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। पर यहाँ बात थोड़ी बढ़ गई और उनके बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। अंततः तड़कते हुए कर्टिस चिल्लाता है और वह घोषणा करता है कि एक विनाशकारी तूफान आने वाला है और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगी और समान्था मौके का फायदा उठाकर उसे घर ले जाती है। कुछ समय बाद कर्टिस ने हैना को सड़क के बीच में देखा और उसे लेने के लिए दौड़ा। उसी समय उसे पक्षियों का एक झुंड आकाश में दिखाई दिया जो एक अजीब पैटर्न में उड़ रहे थे कि अचानक से वो पक्षी उसके पास से उड़ने लगे, फिर वे जमीन पर मरकर गिरने लगे। कर्टिस हैना को बचाता है और भयभीत होकर घर में भागता है, और तभी सायरन बजने लगा। उसी समय वह जाग जाता है और पाता है कि वास्तव में सायरन बज रहा है और तूफान के साथ काफी तेज बारिश हो रही थी। इसलिए कर्टिस अपने परिवार को स्टॉर्म शेल्टर में ले जाता है और दरवाजा बंद करने के बाद कर्टिस उन्हें किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन मास्क लगाए रहने को कहता है। फिर वे सो गए और तूफान के गुजरने का इंतजार करने लगे। कुछ घंटों के बाद कर्टिस जाग गया और दरवाजे के पास गया। वह अभी भी अंदर से ही तूफान को महसूस कर सकता था। फिर वह भी सो जाता है।
सुबह सामंथा ने उसे जगाया और दरवाजा खोलने के लिए कहा क्योंकि तूफान खत्म हो गया था, पर कर्टिस का कहना है कि वो अभी भी तूफान को फील कर सकता है और उसने सामंथा को दरवाजे के पास जाकर फील करने को कहा। हालांकि सामंथा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, पर कर्टिस अभी भी सहमत नहीं था। सामंथा के बहुत कहने पर डरते डरते उसने दरवाजा खोला। तब बाहर धूप खिली थी और मौसम साफ था। उसके सारे पड़ोसी ठीक थे, तूफान से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वे लोग तूफान से हुए कचरे को साफ कर रहे थे। कुछ समय बाद सामंथा अंततः कर्टिस को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर ने कर्टिस को अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड की और उसे शेल्टर से कुछ समय दूर रहने को कहा। वह परिवार के साथ आराम करने और कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहता है क्योंकि कर्टिस को ठीक होने के लिए एक कम्फर्ट और शांतिपूर्ण माहौल चाहिए। अब अगले दिन कर्टिस अपने परिवार के साथ सी बीच पर है। कर्टिस और हैना एक रेत का महल बना रहे थे कि तभी अचानक हैना ने समुद्र की ओर इशारा करते हुए तूफान कहा, जिसे देखकर कर्टिस शॉक था। फिर सामंथा बाहर आती है, तब उसे पता चला कि सच में कर्टिस के कहे अनुसार मोटर ऑयल की बारिश हो रही है और उस समय पूरा परिवार दूर से एक बड़े काले तूफान को आता हुआ दिखता है। तब कर्टिस सामंथा की ओर मुड़ता है जो उसकी ओर सिर हिलाकर पुष्टि करती है कि वह अभी इसे देख सकती है और साथ ही कर्टिस के सपने भी सच हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये अमेजिंग मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।